चंद घंटे की बारिश बनी जानलेवा। मेट्रो रोड पर ड्राइवर का मिला शव, डूबने से मौत की आशंका। दिल्ली के मेट्रो रोड इलाके में अंडरपास में जलभराव, बस की विंडस्क्रीन तक भरा पानी, बचने के लिए छत पर चढ़े लोग। देर तक बस की छत पर फंसे रहे लोग, सीढ़ी की मदद से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली की सड़कों पर जलभराव से फंसी कई गाड़ियां, कई जगहों पर सड़क पर दिखा पानी का तेज बहाव। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों के बीच डिवाइडर का हिस्सा भी डूबा, वाहन चालकों के लिए बढ़ा खतरा। उत्तरी दिल्ली का के जखीरा अंडरपास इलाके में डूबी क्लस्टर बस, बस से जैसे तैसे बाहर निकले ड्राइवर और यात्री। दिल्ली के वजीरपुर में अंडरपास में जलभराव से हादसे को दावत, गिरा बाइक सवार, बस से बाल बाल बचा। दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में सड़क पर देखा जबरदस्त जलभराव, आईटीयू इलाके में भी हुआ जलभराव। दिल्ली की ओखला मंडी के पास जबरदस्त जलभराव, सड़क पर समंदर जैसे दिखे हालात। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में भी सड़कों पर जबरदस्त जलभराव, राहगीरों की बढ़ी मुसीबत। दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक घंटे की बारिश का दिखा असर, सड़क पर तालाब जैसा नजारा। दिल्ली में जनपद रोड पर भी दिखा जलभराव, ट्रैफिक सुस्त। लगातार बारिश से दिल्ली की सड़कों पर सैलाब, पानी के बीच से गुजरती दिखी गाड़ियां। तीन मूर्ति के पास भी आधी सड़क पर जमा हो गया पानी, दिल्ली में अभी 20 जुलाई तक बारिश का अनुमान। दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में भी जलजमाव, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भरा पानी। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में कॉलोनियों के अंदर जमा हुआ पानी, सुबह सुबह घर से निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में गोल्फ क्लब के पास बारिश के बीच गिरा पेड़, सड़क पर भरी जलजमाव। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। कुल्लू में हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ डंपर, लगा लंबा जाम, यात्री परेशान। कन्नौज के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस ने खड़ी कार को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 18 घायल। उत्तराखंड के पहाड़ों में जबरदस्त बारिश, पिथौरागढ़ में बारिश ने मचाई भारी तबाही। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में लगातार बारिश से बर्बादी, सड़क बह गई, दरकती नजर आई चट्टाने। मुंशियारी में मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास फ्लैश फ्लड, परिसर से निकला नाला। दुकानों और घरों में घुसा पानी, प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंशियारी के 25 गांवों में बारिश का कहर, सड़क पर बहता दिखा सैलाब। बिहार के खगड़िया में बाढ़ का कहर, सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूबी, खून के आंसू रोने को मजबूर किसान। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर, निमोया पंचायत के विष्णुपुरा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, दर्जनों मकान डूबे। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ तिलयुगा नदी ने भी मचाया तांडव, निर्मली प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क तबाह। दरभंगा में बागमती नदी का कहर, समंदर बना कुशेश्वरनाथ का इलाका, गांव घर स्कूल सब डूबे। देवरिया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी, सैकड़ों एकड़ में बोई धान और सब्जी की फसल डूबी, सीसीटीवी से नदी के जलस्तर की निगरानी। असम के मोरीगांव में घटने लगा है ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, प्रशासन ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। असम के धुबरी जिले में चापर इलाके में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, राहत सामग्री नहीं मिलने की शिकायत। काजरंगा प्राणी उद्यान भी बाढ़ की चपेट में, 8 दरियाई घोड़ों समेत 96 जानवरों की मौत। बाढ़ से डर कर NH-37 पर आया गैंडा, काजरंगा प्राणी उद्यान के कर्मचारियों ने किया रेस्क्यू। डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात खराब, सैकड़ों गांव जलमग्न, लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत। हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। दक्षिणी गुजरात में भी मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कल भारी बारिश के आसार। मुरादाबाद में 2 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। चंपावत में 2 दिन से भारी बारिश, टनकपुर घाट के पास हाईवे बंद किया गया। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोठी के पास बंद किया गया, भारी बारिश के चलते कई बार हो चुका है लैंडस्लाइड।
देश में दिनों दिन कोरोना का बढ़ता जा रहा है कहर। पिछले 24 घंटे में करीब 38,900 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 543 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 26,816 लोगों की मौत। देश में अब तक 10,77,000 से ज्यादा कोरोना केस। बेकाबू दिख रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में 23,000 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अब तक करीब 1,38,00,000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। आईसीएमआर ने जारी किया आंकड़ा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री। अयोध्या में आज श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में तय हुई तारीखें। प्रधानमंत्री को भेजा गया न्योता। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के नक्शे में बदलाव की मुहर। अब 3 की जगह 5 होंगे गुंबद। मंदिर की ऊंचाई को लेकर भी ट्रस्ट की बैठक में फैसला। प्रस्तावित मॉडल से ज्यादा होगी राम मंदिर की ऊंचाई। बैठक से पहले खपा दिखे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास। कहा, बैठक के एजेंडे के बारे में नहीं किया गया कोई विचार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया और डिप्टी स्पीकर राजेंद्र राठौर दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व ने किया तलब। राज्य में सियासी हालात पर चर्चा। राजस्थान में ऑडियो टेप केस, एसआईटी करेगी जांच, एसआईटी टीम का गठन। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत ने की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात। सरकार के बहुमत का दावा किया। गहलोत ने 102 विधायकों की सौंपी लिस्ट। आज ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने समर्थन का ऐलान किया। राजस्थान टेप कांड में बीजेपी नेताओं ने वॉइस सैंपल देने से किया इनकार। कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया सैंपल। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस से पूछे 6 सवाल। हमले पर कांग्रेस का पलटवार। पर्यटन मंत्री प्रताप सिंह बोले, बीजेपी ने माना कि हुई है हॉर्स ट्रेडिंग। राजस्थान के विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दर्ज हुई FIR। विधायक भवरलाल शर्मा नामजद। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर हुआ केस दर्ज। भवरलाल की आवाज पहचानने का दावा। सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार हुए अशोक सिंह की जमानत की अर्जी। एडीजे कोर्ट से खारिज। भेजे गए जेल। बीजेपी नेता और क्षत्रिय संघ के उपाध्यक्ष अशोक सिंह को उदयपुर से किया गया था गिरफ्तार। एसओजी ने अशोक सिंह के विरोधियों विधायकों से बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट में सौंपी। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलएसी का दौरा किया। सेना के अत्याधुनिक हथियारों का निरीक्षण किया। राजनाथ सिंह ने खुद भी उठाई सेना की एक पिस्टल। अफसरों से ली हथियारों की जानकारी। कंट्रोल रूम में बैठकर राजनाथ सिंह ने एलओसी पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सैन्य अफसरों से बात की। चेक पोस्ट पर डॉग स्क्वाड के साथ चौकस दिखे सुरक्षाकर्मी। सैन्य तैयारियों से खुश दिखे राजनाथ सिंह। फॉरवर्ड पोस्ट पर राजनाथ सिंह ने जवानों से की बात। जवानों के कंधे थपथपाकर बढ़ाया जोश। भारत माता की जय के नारे लगे। अमरनाथ भी गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाबा बर्फानी के किए दर्शन। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा। विश्व शांति के लिए प्रार्थना। राजनाथ सिंह के साथ CDS सेना अध्यक्ष सहित सेना के बड़े अधिकारी। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कल आतंकवादियों से मुठभेड़। मारे गए थे 3 आतंकी। पुंछ में पाकिस्तान का सीज फायर उल्लंघन। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 1 घर के 3 लोगों की मौत। अपने ही देश में घिरे प्रधानमंत्री ओली। अयोध्या पर बयान से भड़का नेपाली संत समाज। कुलभूषण जाधव को 3rd काउंसलर एक्सेस की पाकिस्तान ने की औपचारिक पेशकश। भारत ने नहीं दिया जवाब। पुणे में IS से जुड़ी महिला की गिरफ्तारी के बाद बड़ा NIA कनेक्शन। बड़ा खुलासा। देश के मेट्रो शहरों में IS की कमान संभाल रही ज्यादातर महिलाएं। विकास दुबे का एक और वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में धमकी भरे अंदाज में दिख रहा है रसू। विकास दुबे एनकाउंटर केस में STF की टीम स्पॉट पर पहुंची। क्राइम सीन किया गया रिक्रिएट।
त्रिवेंद्रम के तटीय इलाकों में आज रात से 10 दिनों तक के लिए टोटल लॉकडाउन। तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। पटना के पीएमसीएच में कोरोना पीड़ित महिला की मौत पर विवाद, अधीक्षक कार्यालय में मौत की खबर पर बवाल। कोरोना के मुद्दे पर केंद्रीय टीम का बिहार दौरा, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर मढ़ा आंकड़े छिपाने का आरोप। देश में कोरोना से जंग में जुटे 15,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए संक्रमित। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 5,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी। देश के अर्धसैनिक बलों में कोरोना के अब तक 6,719 केस, 98% मामलों में नहीं दिखे कोई लक्षण। यूपी में आज भी वीकेंड लॉकडाउन। कोरोना संकट की वजह से योगी सरकार ने सप्ताह में शनिवार और रविवार को लागू किया है लॉकडाउन। नियम तोड़ने वालों से हुई सख्ती। जबलपुर में शुरू हुआ सबसे लंबे फ्लाईओवर का काम। मिर्जापुर में अवैध खनन बना काल, 3 नाबालिगों की गड्ढे में डूबने से मौत। अवैध खनन के बाद हुए गड्ढे में भरा था पानी, पीड़ितों ने पुलिस पर खनन माफिया का पक्ष लेने का आरोप लगाया। दिल्ली के मैरौली में बावड़ी में नहाने के दौरान एक शख्स डूबा, 3 दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। लखनऊ में लोक भवन के गेट पर मां बेटी के खुदकुशी की कोशिश को पुलिस कमिश्नर ने बताया राजनीतिक साजिश। एआईएमएम नेता गिरफ्तार, कांग्रेस नेता समेत 4 पर एफआईआर। कल अमेठी की एक महिला और उसकी बेटी ने की थी खुदकुशी की कोशिश। अमेठी में थाना प्रभारी, 1 दरोगा निलंबित। लखनऊ में दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। झारखंड में सीएम सोरेन ने कैदियों की जेल से रिहाई पर पेंशन योजना का बनाया प्लान। अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े बंदियों के अपराध की सूची तैयार करने का निर्देश। कटनी में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी।